प्यार की खातिर अंतर्राष्ट्रीय सरहद को लांघते हुए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बाद ऐसी कई प्रेम कहानियां सामने आने लगी हैं। वहीं बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला भारत आई है। सानिया अख्तर नाम की इस महिला के साथ उसका एक साल का बच्चा भी आया है। बांग्लादेश की सानिया का कहना है कि नौकरी करने बांग्लादेश आए एक भारतीय युवक ने उनसे शादी की थी, लेकिन वो उन्हें छोड़कर वापस भारत आ गया। अब सानिया अख्तर अपने पति के साथ रहने यूपी के नोएडा आई है। हालांकि उनका कहना है कि अब उनके पति उनके साथ रहने से इनकार कर रहे हैं। महिला ने इसकी शिकायत नोएडा पुलिस से की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सानिया अख्तर का दावा है कि नोएडा के सौरभ कांत तिवारी ने लगभग 3 साल पहले बांग्लादेश में उनसे शादी की थी। सानिया का कहना है कि वो नोएडा में अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन उनके पति सौरभ कांत तिवारी उन्हें घर लेकर नहीं जा रहे हैं। सानिया का आरोप है कि उनके पति सौरभ ने भारत में दूसरी शादी कर ली है। नोएडा पुलिस की मीडिया सेल की ओर से जारी किए गए नोट में इस मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक ढाका की रहने वाली एक महिला ने सूचना दी कि सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2021 को उनसे शादी की थी। पुलिस ने बताया कि महिला के मुताबिक सौरभ ने साल 2017 से 2021 तक ढाका के कल्टी मैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी की। अब सानिया अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो उनके साथ रहने से इनकार कर रहा है। अब देखते हैं कि सानिया की कहानी क्या मोड़ लेती है। आप नहीं मान रही, आप नहीं मान रही, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। चाबी का है? चाबी, मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर चुका। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।